तो कक्षा 90 के प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको घबराने की कोई चिंता की बात नहीं। जिस भी का आपका यहाँ पर 6 अप्रैल का एकदम रियल पेपर आ गया है मेरे पास, इस प्रकार अच्छे से मेहनत कीजिएगा तथा एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर फुल सोल्यूशन प्राप्त कराऊंगा। तो बिना देरी किए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा आप, बस जो आपको बताया जा रहा है वो आप कवर कर लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार पहला प्रश्न रहेगा कुछ इस प्रकार, देख लीजिए। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं तो वो आपका रैखिक हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, वहां त्रिभुज है तो 60 डिग्री। इसी प्रकार जो आपका निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है तो आपकी करने में 23 आ जाएगी। मूल बिंदु के निर्देशांक है तो आपके यहाँ पर 0:0 यहाँ पर निर्देशांक हो जाएंगे। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा आपकी कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। इसी प्रकार जो आपका 5वां आ जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी कवर करते चलिएगा फटाफट, क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं हुआ है, तो आप याद करने में जुड़ जाइएगा। ऐसे तो याद करने की गणित में कोई जरूरत नहीं, पर जब भी आप यहाँ पर इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में जाएगा क्या बात है क्या बात नहीं है। -1 बहुपद x+2 का 0 के -2 थोड़े से शोर हो रहा है यार, उसके लिए माफी चाहता हूँ। 3abc शंकु का आयतन हो जाए 1/3 πr²h। वृत्त का केंद्र क्या होता है तो अभ्यंतर। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। ये देख लीजिएगा, इसी तरह एक वाक्य की बात की जाए तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए, तो ax की घात जो आपके 100 आ जाएगी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0:0 यहाँ पर निर्देशांक हो जाएंगे। इसी प्रकार देख लीजिए, एक आ जाएगा पूरक कोण क्या है, तो जब दो कोणों को आपस में मिलाया जाता है या मापन किया जाता है तो जो 90 डिग्री कोण बनता है वही पूरक कोण कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग 80 से 100 का पारस क्या होता है तो 20 होता है। ये देख लीजिए, सत्यासत्य की बात की जाए तो एक त्रिभुज का क्षेत्र आधा शीर्ष लंब होता है तो आपका असत्य रहेगा। बहुपद x²-2x+3 बहुपद है तो यह भी आपका असत्य रहेगा। यह भी असत्य असत्य असत्य। बाकी जो आपका एक अंतराल जो आपका 90 से 100 में 90 वर्ग के निम्न वर्ग सीमा तो आपका सत्य रहेगा। ये देख लीजिए, जो आपका 6ठा प्रश्न यहाँ से कवर कर लीजिएगा। 6ठा या आपका 7वां अच्छे से देख लीजिएगा, या आपका 8वां या आपका 9वां दोनों आएंगे। 10वां या आपका 11वां, 12वां या आपका 13वां। या आपका यहाँ पर 14वां, या आपका 15वां, या आपका 16वां, या आपका यहाँ पर 17वां रहेगा, या आपका 18वां, या आपका 19वां, या आपका यहाँ पर 19वां, ये 20वां, या आपका 21वां, या आपका 22वां प्रश्न रहेगा। तो ये आपका जो लास्ट एकदम लास्ट जो आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न है, इसके देख लीजिएगा। इस प्रकार में जो आपको यहाँ पर पेपर जो एकदम जो इंग्लिश का सॉरी गणित का आपका पेपर है वो प्राप्त कराया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा तथा इसी में से आपके पेपर आएंगे। अच्छे से तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपकी सेटों में कन्वर्ट कर दिया, एकदम रियल पेपर नहीं दे सकता कि एक पेपर लो और 80 में जो आपका 75 में से 75 अंक ले जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी बोर्ड का खतरा रहता है पकड़ाने का, अभी सब हेकड़ी हट जाएगी यहाँ पर पेपर वेपर बताना था ना, तो आप जिसकी भैया थोड़ी सी यहाँ पर हमें भी ध्यान रखना पड़ती है।
क्योंकि आपको तो एकदम रियल पेपर चाहिए, पर हमें भी तो सब व्यवस्था देखने पड़ती है, क्या खतरा है। आपको भी याद है कि उस यूट्यूबर की जेल हो गई है अब भी इस चक्कर में, एकदम रियल के चक्कर में, तो आपको किसी को भनक भी नहीं पड़े और आपका काम भी हो जाए। बस यही आप मेरा उद्देश्य तो